कोरोना लड़ाई रे हरियाणा को ऑक्सीजन पड़ पानीपत रे 500 बेड थिबा हॉस्पिटल सह नुआ ऑक्सीजन प्लांट मुख्यमंत्री एमएल खट्टर का अनुरोध रक्षा करिसेंते केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज छारु एही नुआ प्लांट ओ हॉस्पिटल आरंभ हेबो याकु राष्ट्रीय उद्देश्य रे समर्पित करिवे केंद्र मंत्री कोरोना काल रे ऑक्सीजन सप्लाई करि पारे केंद्र रा स्टील विभाग एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेउछते वासंत नजर पकाइबा वर्तमान केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कण कहछु लाभ नहीं होने तक इसको लगाने के लिए काम किया जाएगा। मित्रों, भारत सरकार नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में ऑक्सीजन हो आज तो हम लोगों ने विदेश से हमारी देश में टैंकरों की कमी थी, लगभग 200 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर कंटेनर आज हम बाहर से लेके आ रहे हैं, छोटा बड़ा विभिन्न साइज के। आज हमने लगभग 13,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, सिंगापुर हो, दुबई हो, कतार, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, इन सारे देशों से आज ऑक्सीजन भी हम लेके आ रहे हैं। मित्रों, हम देश की स्वास्थ्य सेवा में इसको ठीक करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल के आज उसके लिए कमिटेड है, ना केवल ऑक्सीजन, ना केवल वेंटिलेटर, ना केवल अधिक बेड, मेडिसिन और वैक्सीन, ये दोनों अभी अभी अनिल जी कह रहे थे और ज्यादा वैक्सीन मिलनी चाहिए। मित्रों, अगस्त महीने में भारत की कंपनियों के माध्यम से दो कंपनियां भारत में सीरम जो AstraZeneca की भारत में उत्पादन की जिम्मेवारी लिया है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ICMR की नेतृत्व में जो कोवैक्सीन बना है भारत बायोटेक के माध्यम से, दोनों की उत्पादन लगभग 7.5-8 करोड़ है। रशिया की वैक्सीन आ गया है, इसी महीने में भारत में पहुंच चुका है, खूब जल्दी यह राज्य सरकार और बाजार में आ जाएगी। भारत में जून महीने में यह संख्या बढ़ के 10-11 करोड़ तक जाएगी और दिसंबर आते आते ये 20-25 करोड़ तक प्रति महीने में, ये भी वैज्ञानिक कह रहे हैं दिन में 1 करोड़ टीका आने वाले चंद महीनों के बाद हो जाएगी। मित्रों, हम वैक्सीन में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। भारत सरकार अभी भी आवश्यकता की 50% टीका मुफ्त में राज्य सरकारों को देते हैं। अनिल जी, आप थोड़ा इसको ध्यान रखें, अभी भी भारत सरकार के 50% टीका मुफ्त में आपको दिया जाता है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, खट्टर जी को, आपकी टीम को, आपने भी जो 25% की हिस्सेदारी आपके पास है उसको भी आपने तय किया है मुफ्त में देने के लिए। बाकी कॉरपोरेट के रूट में व्यवसायी वालों के लिए 25% की टीका उपलब्ध किया जाएगा। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की चेयरमैन को धन्यवाद देता हूं, हरियाणा में और भी कॉरपोरेट की दुनिया होंगे जिन्होंने तय किया है वो अपने एम्प्लॉयियों को तो मुफ्त में, यानी पानीपत में काम करने वाला जो मजदूर है जो हरियाणा का है उसको IOC मुफ्त में टीका देगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर करने वाला जो लड़का है उसको IOC मुफ्त में टीका देगी। पेट्रोल पंप में काम करने वाले जो लड़के भरते हैं पेट्रोल उसको भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन HPCL BPCL मुफ्त में टीका देंगे। ऐसे अन्य कॉरपोरेट, यहाँ आपको तो उद्योग बहुत है, उनको भी आप सलाह दीजिए IOC HP BP ऐसे कंपनियों के तहत वो भी खुद टीका लगाने के साथ साथ समाज की। IOC सिर्फ अपने कर्मचारियों को टीका नहीं लगाएगा, एक टीका अपने कर्मचारियों को लगाएगा, हरियाणा की आपके नागरिकों को भी एक टीका लगाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो लोग जमीन दिए हैं, संजय जी आप उसको सुनो, आप पूछ रहे थे IOC क्या कर रहा है, IOC यहाँ की गांव वालों के लिए भी टीका लगाने की जिम्मेवारी लेगी।
हम सब मिलके टीकाकरण हरियाणा में 100% करेंगे, जल्द ही करेंगे। भारत की वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा रखिए। पानीपत रिफाइनरी हो, भारत सरकार हो, हम सब मिलके हरियाणा सरकार के साथ इस अभियान को पूरा करेंगे। मैं जाते जाते पेट्रोलियम विभाग की ओर से एक अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी, आपकी पानीपत ये टेक्सटाइल की शहर है, कंबल, दरी, कारपेट, चद्दर यही सब बन के देश में जाता है। उसकी रॉ मटेरियल हमारी रिफाइनरी में बनते हैं। रिफाइनरी में पॉलिस्टर बनने की रॉ मटेरियल बनता है, पॉलिस्टर यहीं से जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, दामन, दीव सूत बन के, पॉली फाइबर बन के फिर आपके कारखाने में आते हैं। हम आपको निवेदन करते हैं, पिछले दिनों में भी मैं आपको वही अनुरोध करके गया था, यहाँ थोड़ा औद्योगिकरण, जो आपके हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की लैंड आपने एक्वायर करके रखा है, इसको थोड़ा नया मॉडल बनवाइए, सब्सिडी रेट पे जमीन उपलब्ध कराइए। हरियाणा में भी विशेष करके रॉ मेटेरियल यही है, उत्पादन केंद्र यही है, दोनों को जुड़ाव करने की आवश्यकता है। हरियाणा के लोगों के लिए, रोजगार के लिए, नए उद्यमियों के लिए ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप और हम मिलकर लेना चाहिए। अंत में और एक सूचना देके जाता हूं। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कामकाजी मजदूरों के लिए उद्योग जगत लो कॉस्ट लेकिन आधुनिक घर बनाइए। मेरे को आज IOC की चेयरमैन कह रहे थे जल्द ही ऐसे एक मॉडल क्लस्टर पानीपत में भी बनेगा। हम 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा करके एक आदर्श लो कॉस्ट श्रमिकों के लिए कॉलोनी बनाएंगे, जिसमें बाहर से आए हुए मजदूर भी सम्मान के साथ यहाँ रहे, इसकी भी जिम्मेदारी हम लेंगे। आज के अवसर पे फिर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, विशेष करके हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ। उन्होंने देश में एक नया उदाहरण खड़ा किया, देश में एक मिसाल खड़ा किया। हरियाणा में आज से 1000 कोविड पेशेंट इस टेंट वाले, ऑक्सीजन वाले बेड पे रहेंगे, जल्द ही स्वास्थ्य लाभ करेंगे, वैक्सीन भी उनको लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय। तो आपने शुणुले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिक्रिया रही, अर्थात हरियाणा को एभली प्रशंसा कर, हरियाणा सरकार को मध्य प्रशंसा कर, विशेषकर पानीपत गोटे टेक्सटाइल सहर और सेठे किभली लोकों रोजगार पर उद्यम से दिग्वे ध्यान देवाक। अंपटे पानीपत केवल जो 500 बेड हस्पिटाल और नू अक्सीजेन प्लांट को घोषणा करागला ताहा नुहे, बरंग सेठारे वैक्सीन, मेडिसिन, बेड सहित मध्य ए अभाव किभली दूर करा जिवो से नै मध्य घोषणा कले।